हे गाइस, दिस इज पृथ्वी। और भैया, आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सोनी X75 ऐप, जो कि है एक एंड्रॉयड टीवी, जिसे कि मैंने आज से करीब 2 महीने पहले ही परचेस कर लिया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके कॉमन प्रॉब्लम्स जो मैंने यूज़ किए हैं अब तक। मैंने हर दिन इसे यूज़ किया है और आज मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताऊंगा और बात करेंगे इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले इसके प्रॉज की, तो प्रॉज इसके बहुत सारे हैं। जैसे कि ये आता है 4 वेरिएंट्स में, जहाँ पर आप अपने मन से चूज़ कर सकते हो इसके जो वेरिएंट्स हैं। पर आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर वेरिएंट्स को अलग अलग इंचेस पर परचेस करने की सोचोगे, तो वैसे ही प्राइस बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये आता है 4K टीवी, जो कि है एंड्रॉयड का, और इसमें आपको देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया कंटेंट। यहाँ पर अगर आप इस पर केबल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब मिलेगी, क्योंकि केबल यहाँ पर HD को सपोर्ट नहीं करता। तो मैंने यहाँ पर DTH इस पर लगाया हुआ है, और यहाँ पर मैंने इसमें लगाया हुआ है जो DTH HD का, और HD के पैक जो मैंने देखे और बाकी के जिसको मैंने कंपेयर किया, यहाँ पर HD की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी बढ़िया आ रही थी। मैंने इस पर काफ़ी शोज़ देखे HD में, और मुझे सबसे पहले तो मैंने इस पर केबल लगाया हुआ था, और उसके जो काफ़ी बढ़िया जो विजुअल्स दिखे वो मुझे HD में ही दिखे। अब यहाँ पर कॉमन प्रॉब्लम्स इसके ये है कि भैया, इसके पीछे जो पोर्ट्स है वो आप अगर इसको वॉल माउंट करेंगे तो वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इस पर एक बार वॉल माउंट कर दिया जाए तो सिंगल पर्सन इसे निकाल नहीं सकता, और इसे आपको 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी इसको निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टीवी हैवी है। यहाँ पर इसके ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा है, अगर एक कहीं पर स्क्रैच पड़ जाए या फिर गिर जाए, क्योंकि काफ़ी हार्डवेयर तो काफ़ी बढ़िया है मगर बाहर से टीवी काफ़ी सॉफ्ट है। अब यहाँ पर अगर इसके कॉन्स की बात करें, तो इसका मुझे एक ही कॉन्स लगा, उसकी प्राइस। इसकी प्राइस 70,000 से इसके वेरिएंट की शुरू होती है और ख़त्म होती है भैया 1 लाख के ऊपर ही चली जाती है। मगर आप इसे अगर ऑफलाइन परचेस करेंगे, तो ऑफलाइन आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा, क्योंकि बार्गेनिंग आप कर सकते हैं दुकानदार से, कहे भैया प्राइस कम कर दो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर आप इसकी प्राइस कम करवा सकते हो। मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ऑनलाइन परचेस ना करें, ऑफलाइन ही करें। फिर भी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो या फिर इसके बारे में अगर कुछ स्पेसिफिकेशन देखना चाहते हो, सो हिट द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू सी दिस। तो यहाँ पर अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी, इसके पहले 2 महीने पहले ही मैंने शूट कर ली थी और अपलोड भी कर ली थी, सो हिट द सेकेंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू वॉच दिस वीडियो। तो यहाँ पर अगर बात करें इसके कॉन्स की, तो कॉन्स कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसके पोर्ट्स है। तो यहाँ पर पोर्ट्स इसके साइड में भी दिए गए हैं, पर जो मेन पोर्ट है, जैसे कि इथरनेट पोर्ट, अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो इथरनेट पोर्ट पीछे की तरफ है। अगर बात करें ऑक्स केबल की, तो ऑक्स केबल भी पीछे की तरफ है। मैंने इसे होम थिएटर से कनेक्ट कर रखा है, और होम थिएटर से मैं इसे हमेशा कनेक्ट करके रखूँगा, क्योंकि भाई इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर मैंने सोनी का ही होम थिएटर इससे कनेक्ट कर रखा है, जो कि है सोनी SAD100। उसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो काफ़ी पहले शूट कर ली थी, उसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। तो वो मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, और उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी इन्हांस हो गई। तो बात करें तो इसके प्रॉज ही ज़्यादा है, कॉन्स बहुत ही कम है, मतलब इसके जो फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा है। अगर बात करें 4X रियलिटी प्रो की, तो वो आपको 43 और 49 इंचेस के जो वेरिएंट है उसमें देखने को नहीं मिलता। अब ये बात करें 4X रियलिटी प्रो की, तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कितना मैटर करता है, तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि 4X रियलिटी प्रो आपकी जो ख़राब वीडियो है इसको भी इम्प्रूव करके दिखाता है आपको। तो यहाँ पर 55 और 65 इंचेस के जो वेरिएंट्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा 4X रियलिटी प्रो। तो यहाँ पर 43 और 49 में आपको 4X रियलिटी प्रो देखने को नहीं मिलता। पर आज 12 तारीख यहाँ पर ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जियो ने लॉन्च कर दिया अपना 4K सेटअप बॉक्स, जहाँ पर अगर आप इसको 4K सेटअप बॉक्स से कनेक्ट कर देंगे, तो 4K रियलिटी प्रो भैया नाकाम सी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 4K कंटेंट देखने को मिलेगा, और बाकी तो DTH की लगने वाली है काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा प्रॉज है, कॉन्स बहुत ही कम है, तो आप बेझिझक इस टीवी को परचेस कर सकते हो। सो गाइज, इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। बहुत से लोगों ने मुझे उस वीडियो पर क्वेश्चंस पूछे थे, तो यहाँ पर मैंने उनका जवाब दिया था, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्ट होता है कि नहीं वगैरह वगैरह। तो आप भी इसके बारे में पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो गाइज, दैट इज़ प्रीटी मच इज गाइज फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा।
सो गाइज दिस इज मी पृथ्वी फ्रॉम दिस चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वर्क.